मुंगेर में एक दुकान में आधार कार्ड से पैसा निकालने आया ग्राहक दुकानदार का मोबाइल लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुआ सारा मामला। पीड़ित ने थाना में आवेदन देकर लगाई गुहार। मुंगेर कोतवाली थानांतर्गत गुलजार पोखर स्थित आफ्ताब इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आधार कार्ड से पैसा निकालने आया एक ग्राहक मौका देखकर दुकानदार का मोबाइल लेकर फरार हो गया। ग्राहक द्वारा मोबाइल चोरी किए जाने का मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। इस संबंध में दुकान के प्रोप्राइटर मोहम्मद मेहताब ने कोतवाली थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दुकानदार ने बताया कि ग्राहक उसकी दुकान पर आधार कार्ड से पैसा निकालने आया था। जब वह आधार कार्ड से पैसा निकासी की प्रक्रिया में जुटे थे, तभी काउंटर पर रखा उसका रियलमी कंपनी का 20,000 का मोबाइल लेकर ग्राहक अपनी पॉकेट में रख लिया और पैसा लेकर वहां से निकल गया, जो दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे बड़े शातिराना अंदाज से उक्त व्यक्ति के द्वारा मोबाइल चोरी कर ली गई। इस मामले को ले दुकानदार के द्वारा कोतवाली थाना में लिखित शिकायत भी की गई है। एक कस्टमर लेके चला गया, वो गुलाबी शर्ट पहने हुआ था, वो पैसा निकालने के लिए आया था हम लगा के आधार कार्ड के माध्यम से। मैंने जो है पैसा गिनना चालू किया, उतना में जो है वो मोबाइल पैकेट में रख के चला गया। मैंने जो है नीलम सिनेमा तक जाके ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। मैंने थाना में आवेदन दिया है और जो है थाना में जो है रिसीविंग अभी तक मुझे नहीं मिला है। अच्छा, क्या मोबाइल मेरा 22,000 रुपये का था, रियलमी X7। और सीसीटीवी में वो सीसीटीवी कैमरा है मेरे दुकान में, उसी में वो कैप्चर हो गया। उसका फ़ोटो और वीडियो मैंने फेसबुक में और जो है जो दोस्तों को जो है दिया है मैंने। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब, पिता मोहम्मद फैयाद है।